नमस्कार मित्रों मैं अजय सिंह और एटर ग्रुप्स हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ मित्रों आज का हमारा शीर्षक है यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट अनिवार्य संस्कृत तृतीय पाठा संस्कृत भाषा या महत्व देखते हैं मित्रों इसका प्रथम गद्यांश धन्यो अयम भारत देशा धन्यो अयम यह धन्य है भारत देशे भारत देश यह भारत देश धन्य है यत्र सति जनमानस पावनी भव्य भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती क्यों धन्य है मित्रों भारत देश यत्र यहाँ समुल्लसित सुशोभित है क्या सुशोभित है जनमानस पावनी अर्थात जनमानस को पावन करने वाली भव्य भावनी उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द संदोह प्रसविनी शब्द राशि को जन्म देने वाली सुर भारती सुर अर्थात देवता यानी कि सुर भारती देववाणी किसे कहा गया है देववाणी संस्कृत को तो पूरा अर्थ पूरा अनुवाद देखिए मित्रों इस पूरे लाइन का धन्यो अयम भारत देश है यह भारत देश धन्य है जहाँ पर जनमानस को पावन करने वाली उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाड़ी अर्थात संस्कृत सुशोभित है विद्यमानसु निखिलेश्ववांगमयेशु अस्या वांगमयम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम चा वर्तते देखिये मित्रों विद्यमानेश वर्तमान समय में विद्यमान समस्त साहित्यों में वांगमयेश अर्थात साहित्य तो वर्तमान समय में जितने भी साहित्य हैं समस्त साहित्यों में इसका साहित्य अर्थात संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है इमेव भाषा संस्कृत नामनाप लोके प्रतिता अस्ति इसी भाषा को यानी कि यमेव भाषा यही भाषा संसार में लोके अर्थात तो संसार में प्रतिथा प्रसिद्ध है कि यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है अस्माक महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चोर वेद अष्टादश पुराणानि अन्यान च महाकाव्यनाट्यादीन असाव भाषाएं लिखिता सी हमारे रामायण महाभारत आदि ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ संधि विच्छेद कीजिएगा महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ तो महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ वेदा, चारो वेद सर्वा सभी उपनिषद, अष्टादश वेद पुराण, अष्ट और अन्न और नाटक आदि नाट्याधीन अर्थात नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हैं, ठीक है मित्रों मतलब इसी भाषा में हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चारों वेद समस्त उपनिषद अठारह पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि लिखे गए हैं देखते हैं आगे इयमेव भाषा सर्वसम आर्य भाषा नाम जननीत मान्यते भाषा तत्व विद्धिभा देखते हैं पीछे वाले शब्द से भाषा तत्व विद्धिभा अर्थात भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा भाषा तत्व विद्या अर्थात जो भाषा वैज्ञानिक है उनके द्वारा इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की सर्व सम आर्य नाम इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननीत जननी माना गया है भाषा विज्ञानियों के द्वारा इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी माना गया है संस्कृत से गौरव बहुविध ज्ञानाश्रित्यम व्यापकत्व चाना कस्यापि दृष्टेर विषया देखिए मित्रों संस्कृत से गौरवम अर्थात संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी से छिपी नहीं है विषय अर्थात अज्ञात नहीं है तो संस्कृत भाषा का गौरव और इसे आश्रय प्रदान करने वाली इसकी व्यापकता किसी से छिपी नहीं है संस्कृत से गौरव मेंव दृष्टिपथ मानी समयुक्त आचार्य प्रवेण दंडिना संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए या संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य श्री श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही लिखा है क्या लिखा है संस्कृतम नाम देवी वागन व ख्याता महर्षिभा क्या कहा है आचार्य दंडी ने कि संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है देखते हैं मित्रों दूसरा गद्यांश साहित्यम सरसम संस्कृत का साहित्य सरस है व्याकरणच सुनिश्चितम इसका व्याकरण सुनिश्चित है बहुत ही शुद्ध शब्दों में कहा गया है कि संस्कृत साहित्य सरस अर्थात रसपूर्ण है तथा इसका व्याकरण सुनिश्चित है तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम इसके गद्य और पद्य में लालित्य है भाव बोध सामर्थ्यम भाव का बोध कराने का सामर्थ्य है अद्वितीय श्रुति माधुर्यच वर्तते अद्वितीय श्रुति माधुर्य का गुण विद्यमान है अर्थात जो हमारे कानों को सुख देता है यह गुण संस्कृत भाषा में विद्यमान है किम बहुना अब इससे अधिक और क्या कहा जाए अर्थात संस्कृत के विषय में अब इससे बड़ी बात और क्या कही जा सकती है चरित्र निर्माणार्थम यादृशी यादृशी मतलब जैसी दो शब्दों का हाँ प्रयोग होगा यादृशी और तादृशी यादृशी अर्थात जैसी और तादृशी वैसी तो क्या कहा गया किम बहुना भी आ गया और क्या कहा जाए सत संस्कृत संस्कृत चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत् प्रेरणा न ददा नाद्राशीति दयंत अर्थात संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माणार्थम यानी चरित्र निर्माण के लिए संस्कृत साहित्य जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसी तादृशी वैसी अन्यत्र कोई भी भाषा नहीं करती वैसी कोई और नहीं करता मूलभूता मानवीय गुणा नाम, यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यंत्र तादृशी ठीक है मित्रों संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुण जैसे हैं संस्कृत भाषा में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्यंत्र नहीं है दृष्टि वैसी अन्यंत्र नहीं है क्या क्या संस्कृत भाषा के गुण हैं दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य अनेके गुणा अस् साहित्य अनुशीलन सज्जाएंते क्या क्या गुण है संस्कृत साहित्य के दया दान सौचम अर्थात पवित्रता औदार्यम अर्थात उदारता अनुसया अर्थात किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना न रखना क्षमा अर्थात क्षमा का गुण तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं इसके अनुशीलन से अनुशीलन अर्थात इसके अध्ययन से अन्य गुण उत्पन्न होते हैं कौन कौन से गुण दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या भावना रखना क्षमा जैसे गुण उत्पन्न होते हैं देखते हैं अगला गश संस्कृत साहित्य कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासा गुरु कालिदास अन्य भाष भारवी भावभूत महाकवियों स्वीकृत पाठ का नाम हृदय विराजंती लेकिन आज भी संस्कृत साहित्य के आज भी संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु और कालीदास भास भारवी भावभूत आदि अन्य महावि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में विराज रहे हैं केवल ये संस्कृति की संस्कृत भाषा का महत्व तो यह है कि आज इन महागुरुओं को भी मनुष्यों के हृदय में स्थान दिया गया है केवल संस्कृत भाषा के कारण आगे देखते हैं भाषा मात्र सम सम्माननीय वंदनीय चा हम संस्कृत भाषा को अपनी माता मानते हैं इसीलिए देखिए कितना सही लिखा गया कि हमारे लिए यह भाषा माता के सदृश सम्माननीय तथा वंदनीय है हमारे लिए यह भाषा यम भाषा असम मात्र सम सम्मानी वंदनीय च माता के समान सम्मानी सम्मानी है यतो भारत मातु तो स्वतंत्र गौरव अखंडत में संस्कृते च संस्कृत सुरक्षित क्यों क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माँ की स्वतंत्रता प्रतिष्ठता अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है क्या कहा गया कि इसी भाषा संस्कृत भाषा के द्वारा ही जो हमारे सांस्कृतिक गौरव हैं वो सुरक्षित रह सकते हैं इम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतम श्रेष्ठम चास्ति यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है ततः सुष्टुक्तम भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती इति इसीलिए कहा गया, था? कहा गया। मतलब है तो ठीक ही कहा गया है सुष्टुक्तम का मतलब क्या है ठीक ही कहा गया है भाषा सुमुख्य मधुरा दिव्या गिरवाण भारती गिरवाण भारती यहाँ पर फिर देव भारती के लिए गया है अर्थात देव भारती अर्थात संस्कृत के लिए लिया गया है तो क्या है ततः सुष्टतम ठीक ही कहा गया है कि देवभाषा यानी गिरवाण भारती सभी भाषाओं में प्रधान मधुर एवं दिव्य है भाषा सुमुख मधुरा दिव्या सभी भाषाओं में क्या है मधुर एवं दिव्य है प्रिय मित्रों ये था आपके तृतीय पाठ का अनुवाद वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्स